नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सुहाया गांव निवासी मुन्नीबाई की सांप के काटने से हुई मौत। मुन्नीबाई अपने घर के बाहर काम कर रही थी, तभी अचानक उसे सांप ने काट दिया, जिसके बाद परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेके आए, जहां पर डॉक्टरों की एक टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं डॉक्टरों ने शव को पोस्टमार्टम करने की बात कही, लेकिन परिजन पोस्टमार्टम ना कराते हुए शव को अपने साथ गांव ले गए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर जिला प्रशासन ने वरिष्ठ नागरिकों का किया सम्मान। सम्मान समारोह का आयोजन वृद्धाश्रम में रखा गया था, जिसे सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा कराया गया, जहां सभी वृद्धजनों का सम्मान कर अधिकारियों ने उनसे आशीर्वाद लिया, साथ में भोजन भी किया। फिर से अनुरोध करूंगा, एक बार तालियां बहुत जोरदार होनी चाहिए। हमारे बीच श्रृंगारी देवी जी आ चुकी हैं, जिन्हें यहां पर इस मंच के माध्यम से हमारे अधिकारीगणों द्वारा वाली प्रतिभा को सम्मान किया गया है और सभी उनके साथ सहभोज भी है सभी के साथ, और गेल के द्वारा एक बोतल और एक डिब्बा दिया गया है, और सभी के साथ सहभोज और एक मानवीयता के नाते सभी अधिकारी भी उपस्थित हैं और उनके साथ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। श्रीराम कॉलोनी के निवासियों ने आज किया चक्का जाम। चक्का जाम करने का मकसद मोहल्ले वासियों का साफ सफाई का ना हो पाना था। मोहल्ले वासियों के अनुसार शहर में जितनी गंदगी नहीं होगी उतने ज्यादा गंदगी महज उनकी कॉलोनी में है। वहीं उनके बच्चे एवं बुजुर्ग लगातार बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कई बार नगरपालिका में चक्कर काटने के बाद भी कोई साफ सफाई नहीं की जा रही है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी उनके मोहल्ले में सफाई करने को तैयार है। वहीं मोहल्ले वालों का यह भी आरोप है कि नगरपालिका सीएमओ पीएस बुंदेला से बात करने जाते हैं तब वे हमेशा महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार करते हैं, जिसके चलते आज महिला एवं बच्चों ने चक्का जाम कर दिया, जिसे पुलिस की मदद से खुलवाया गया। वहीं वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों को पसीने तब छूट गए जब मोहल्ले वासियों को समझाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आ रही थी और वे किसी भी हालत में चक्का जाम खोलने को तैयार नहीं थे। वहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझाया कि किसी भी समस्या का समाधान चक्का जाम करना नहीं होता, इसके लिए बैठकर बात भी की जा सकती है, लेकिन मोहल्लेवासी इतने द्वेष में थे कि वे किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद बमुश्किल पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें कलेक्टर के पास आवेदन देने को कहा, तब जाकर कहीं मोहल्ले वालों ने चक्का जाम खोला। बता दें कि इन दिनों श्रीराम कॉलोनी के रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, जिसके चलते पूरी सड़कों पर नालियों का गंदा पानी आ रहा है, वहीं निकलने तक का कोई रास्ता नहीं बचा है, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे वहां पर सभी लोग बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। वहीं मोहल्ले वालों का कहना है कि यदि नगरपालिका इस मोहल्ले की साफ सफाई नहीं करेगी तो वे दोबारा रास्ते पर आ जाएंगे। भाई हूँ हम
मैडम बता दी साहब, हमारा काम तो पानी भर के हमारे मोहल्ले में पानी दो सुनोगी आप? परसों है ना कि अपने पुलिस दीवान जी आए, दो बार पुलिस की आई, वे भी आके पकड़ गए, वे ही बता गए, हमने एप्लीकेशन भी लिखी हुई रखी है, वो भी हमने बताई है, उनने कही कहना तुम्हारा पानी हमने करवा दे। और मैम उनका सफाई कर्मचारी आया तो वो क्या कहने लगा महिलाओं से, पता है कि आपको जिससे शिकायत करनी है आप उससे शिकायत करने, जिसके पास जाना है आप उसके पास चले जाए, हम पानी नहीं करेंगे साफ। मेरी बात सुनो, हम लेकर इसके फोटो तो खींच लेते हैं, हम बताते हैं अपने एसपी साहब को, बताएंगे सीएसपी साहब को, बताएंगे क्या समस्या है। तुम लोग भी एक और बार चलो कलेक्टर साहब के पास, चलो मैडम बोल रही हैं, चलो एक बार चलो। सब ये क्या चक्का जाम करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारा कोई। सर हम एक बार श्रीराम कॉलोनी मुरादाबाद मंदिर के पास नाली की दिक्कत जो हो रही है सर, कहना कि नाली पूरी भर चुकी है, बच्चों बीमार हो रहे हैं, बहरे वाली बीमार हो रही है, नाली पूरी भर के घर में घुस रही है। तो आपने आज चक्का जाम क्यों किया? चक्का जाम इसलिए किया सर, कहना कि पानी पूरा जाम हो चुका है, बहरे वाली बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी निकाल इसे पानी का नाली का पानी निकाला जाए यहाँ से, जेती हो इतनी निकास पानी की, नाली की पानी का निकाल कितम कितम निकास निकाला जाए। अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं सर निकालना पड़ेगा, बच्चे पूरे मरेंगे, क्या करेंगे, रोड पर सोएंगे, रोड पर मरेंगे, हम वैसे मरने के नाली से जैसे सरकार मार देगी वो पड़ जाए। आपने हमने कलेक्टर को नगर पालिका में गए, सरुलेजा जी ये दई और सीओ में दई, सीओ जी बोलते है कहना मैं कुछ नहीं करता, कहना का मेरा घंटा करता है कहीं। चिटफंड कंपनियों के सताए लोगों ने आज सर्वित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले नगरपालिका गेट के सामने दिया धरना। फाउंडेशन के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि चिटफंड कंपनियों ने गरीब निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश देने के बाद भी अभी तक नहीं लौटाया गया। इनकी आपत्ति यह है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ये कहते हैं कि उनके संज्ञान में चिटफंड कंपनियों का कोई मामला है ही नहीं, जबकि इस वेलफेयर फाउंडेशन ने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया था उस समय शिवराज सिंह के पीएस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जितने भी निवेशकों का पैसा कंपनी के पास है वह जल्द ही दिला दिया जाएगा। उसके बाद भी शिवराज सिंह का इस तरह से कहना इन लोगों को नागवार गुजरा, जिसके चलते यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि चिटफंड कंपनियों ने करोड़ों रुपया देश के गरीब लोगों का फंसा रखा है और उन्हें वापस भी नहीं किया जा रहा। ऐसा नहीं है कि अब कोई चिटफंड कंपनी काम नहीं कर रही, आज भी शहर में धड़ल्ले से चिटफंड कंपनी अपने कार्यालय खोले बैठी है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है और ना ही राज्य शासन। फाउंडेशन के तहत विगत 3 वर्षों से हम चिटफंड कंपनियों में गरीबों का पैसा फंसा हुआ है, उसकी हम सरकार से मांग करते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दिया था, सरकार ने इनके सीएम नियुक्त करता धर्ताओं को जेल में डाल दिया है, सरकार ने बैंक खाते सीज कर दिए और प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले ली है। जो गरीबों का पैसा था, अगर कोई का 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई बड़े करोड़ों की संपत्ति नहीं है,
लेकिन सरकार पैसे देना नहीं चाहती। जांच पे जांच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जनवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 6 महीने के अंदर गरीबों को पैसे वापस किए जाए, इसके बाद भी गरीबों को पैसे देने के लिए कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा। 3 वर्षों के बाद हमारे सीएम साहब ये कहते हैं कि मेरी संज्ञान में आपका मैटर है ही नहीं है। ये बहुत दुख की बात है कि जब हम 25,000 लोग दिल्ली में भोपाल में थे, वहाँ के कलेक्टर महोदय और गृह मंत्री महोदय के पीए वो सीएस जो हम जा रहे आए उन्हें आश्वासन दिया, इसके बाद भी मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि चिटफंड का पैसा मत पैसे में गरीबों का पैसा फंसा है। इनमें कोई अमीर आदमी दिख रहा है? सब मजदूर आदमी है सब। युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत, 2 दिन बाद मिला उसका शव। चितामार का रहने वाला संदीप गुर्जर, जिसकी उम्र महज 15 साल है, वे अपने खेत में काम कर रहा था, तभी किसी कारण से वह तालाब की तरफ गया, जहां उसका पैर फिसलने से वे तालाब में डूब गया। कल दोपहर से पुलिस प्रशासन एवं ग्रामीण नाव के द्वारा शव को खोज रहे थे, लेकिन शव कहीं नहीं मिला। आज जाकर युवक का शव बरामद हुआ, जिसको जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया गया। पानी में धूप पड़नी और ऐसा मौका। कौन है आपका? नाती है। नाती कितने साल का है? 15 साल का। क्या नाम है? संदीप। संदीप, तो कैसे हुई है घटना? ये पानी में नहा रहे थे, खेती में काम करके आए, नहा रहे थे 2-3 मरमोड़ी, धान लगे ना गेरे में चल गए, तैरने नहीं आती। तैरना नहीं आता? कौन सी नदी पे गए थे? मुंडी तालाब। कब की है ये घटना? कल 12 बजे। आज मिलो? आज मिली है। कल की पुलिस ढूंढ रही थी, डूबे अभी पहुंच गए रात में, रात सवेरे पहुंची। ये चिटामार का लड़का है संदीप गुर्जर, ये खेत पर काम कर रहा था, तो खेत से काम करने के लिए पानी लेने के लिए गया था तालाब पे, तो तालाब में पैर फिसल गया, तो इससे डूबने से उसकी मौत हो गई। क्या नाम है इसका? संदीप गुर्जर। उम्र कितनी है? इसकी उम्र करीब 15 वर्ष है। तो इसको तैरना नहीं आता था? हाँ, इसको तैरना नहीं आता था या क्या कारण रहा, लेकिन पैर फिसलने से पानी से डूबने से ही मौत हुई है। कितने करीबन कब की घटना है ये? कल 12-1 बजे की घटना है। तो होमगार्ड की सर्चिंग के बाद आज मिला है? हाँ, कल से लेके अभी तक उसको नाव से वगैरह से ढूंढ रहे थे, तो आज जाके बॉडी मिल पाई। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लॉयंस क्लब के हमदर्द सेवा सप्ताह के अंतर्गत आज जुनून स्वच्छ भारत नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम विनायक खेड़ी स्थित आंगनबाड़ी पर रखा गया, जहां पर लॉयंस क्लब की महिला सदस्यों ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए शौचालय का निर्माण कराया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में लॉयंस क्लब के सदस्यगण वहां उपस्थित रहे। हर वर्ष मनाया जाता है, इस बार हमेशा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक रहता है, इस बार थोड़ा सा चेंज करके 7 अक्टूबर तक किया हुआ है, जिससे कि स्वच्छता अभियान की जो हमारी पहल है वो 2 अक्टूबर तक को कार्य रूप तो देखे कि स्वच्छता भारत में चल रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर को स्वच्छता ने शुरू किया है, वो शीघ्र 1 महीने या जो महीने जो भी लगे आपको पूरा होगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। इस पूरी कार्य का जगह जो यहाँ रखी गई है वो शासकीय प्राथमिक विद्यालय विनायक खेड़ी आंगनबाड़ी जो यहाँ स्थित है उसमें आयोजित की जा रही है। वह समय पे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में, यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो लोग यहाँ आते हैं, उनके उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। आशा एवं ऊषा सहयोगियों ने आज रैली के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को दिया ज्ञापन। यह ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आश्वासन के विरोध में था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं के वेतन को दोगुना कर उनके खाते में 2,000 रुपए पहुंचा देंगे। इसी बात से नाराज होकर सभी आज एकजुट होकर सीटू के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अभी तक किसी भी आशा या उषा कार्यकर्ता के खाते में 1000 रुपए कभी भी नहीं आए हैं। उन्हें या तो 200 या फिर 500 रुपए ही मिल पाए हैं। वहीं जो 2000 देने की बात मोदी जी ने कही है, वे ऊंट के मुंह में जीरे समान है। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि जितनी भी सहयोगी हैं आज काम कर रही हैं, वे एक एक सहयोगी नहीं 20 से 25 गांवों में काम करती है। इन लोगों की मांग है कि जल्द ही 2000 रुपए आशा एवं उषा कार्यकर्ताओं के खाते में आए जाएं, साथ ही सहयोगिनी शब्द हटाकर उन्हें सुपरवाइजर के नाम से इज्जत से पुकारा जाए। देव शर्मा जी ज्ञापन दो, पहले ये ज्ञापन दे दो, ये असल में दो ज्ञापन है, एक स्वास्थ्य संचालक मिशन संचालक के लिए, एक मुख्यमंत्री के लिए। हम ज्ञापन इसलिए दिया है, जो मोदी जी ने जो घोषणा की है वो ऊंट के मुंह में जीरे का बघार किया है। उनने आशाओं को दुगना बोला है, कुछ दुगना नहीं हो रहा है। उनका जो महीने में 1000 पहले डलता था, 1000 का भी डला ही नहीं है। 200, 400, 500 रुपए से आधी किसी की आशा के नहीं डले अभी तक, है ना। और 2000 जो अभी बोला है दुगना, तो अभी तक कोई दुगना नहीं हुआ है। तो ऊंट के मुंह में जीरे का बघार है। और हमारे मोदी सरकार सहयोगी का तो नाम लिया ही नहीं है, वो सहयोगी को जानता ही नहीं है, है ना। तो हमारी हमारी जो आशा सहयोगी बहन है, आशाओं का काम कम से कम 25 से 30 गांव एक सहयोगी बहन हमारी देखती है, डेली का भ्रमण करती है, डेली की BCM को हमारी जो ब्लॉक पे है हमारी BCM है उनको डेली की रिपोर्टिंग करवाती है। फिर भी हमारे जो CM PM महोदय है उनको सहयोगी का नाम तक मालूम नहीं है। सहयोगी क्या है, उनको सहायिका कहा गया है। एक सहयोगी को सम्मान मतलब जो उनका सम्मानजनक मानदेय है वो दिया जाए, दुगना किया जाए, और उसको सहयोगी को सुपरवाइजर का नाम से ही दिया जाए, सम्मानजनक बुलाया जाए। जो हमें है ना, हमारे जो मानदेय बढ़ा रहे हैं उससे हमें वो नहीं, हमें हमारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक की बमोरी शाखा में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बेरुखी से परेशान है ग्रामीण। ग्रामीणों का आरोप है कि बैंक में कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी मर्जी से ही आते जाते हैं और कभी कभी तो आते भी नहीं, जिसके चलते ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि कल रविवार की छुट्टी थी, वहीं मंगलवार को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भी अवकाश रहेगा। इसके चलते आज ग्रामीण बड़ी तादाद में बैंक पहुंचे, लेकिन दोपहर बाद तक कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। केवल एक या दो ही कर्मचारियों के दम पे पूरे बैंक का संचालन किया जा रहा था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जनता को ना के वजह के नहीं आए, ये पूछो। ये तो आई नहीं, सुबह से ही नहीं आया, बैंक को लिए जब से ठीक है बेटे मेरे डेढ़ महीने की तबस्ता करना है। बैंक
कुमराज में सांसद रोमन नागर ने विधायक ममता मीना एवं भाजपा जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारेख द्वारा ग्राम भमावद में पार्वती नदी के पुल का किया भूमि पूजन। इसके साथ ही कुमराज में मेला ग्राउंड में बन रही सब्जी मंडी की दुकानों का एवं नगर की सड़कों का भी भूमि पूजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एवं नागरिक मौजूद रहे। उसके पहले भी सरकारें थी, उन सरकारों ने क्या किया, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस सरकार ने क्या किया। 50 साल कांग्रेस ने इस देश के ऊपर राज किया, 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया, और ये जो 15 साल हैं राज्य के और 5 साल जो केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार रही उसने क्या किया। सम्मानी पारिक जी, हमारे नगर परिषद की अध्यक्षता एवं सभी कुमराज से हमारे सहयोगी कपिल नामदेव की रिपोर्ट। डीजीआरएम आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।